मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वोटर आईडी एक जगह से दूसरे जगह कैसे लेते हैं, मतलब वोटर आईडी शिफ्टिंग कैसे करते हैं या फिर वोट ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक ब्राउजर को ओपन करेंगे, किसी भी एक ब्राउजर को, उसमें टाइप करेंगे NVSP, उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद जो पहले वाला लिंक है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल उसी में हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका डैशबोर्ड खुलेगा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का, उसके बाद हम लोग लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें अकाउंट खोलेंगे, इसमें क्लिक करके अकाउंट खोलेंगे। अगर किसी का अकाउंट है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं उसी से लॉगिन करूंगा। आप लोग यहाँ जाके अकाउंट, पहले अकाउंट बना के लीजिएगा। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। कैप्चा गलत हो गया। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसका डैशबोर्ड खुलेगा, तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह में वोट लेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो माइग्रेशन टू अनदर प्लेस या फिर फॉर्म में जाके भी कर सकते हैं। तो मैं इधर से ही करूंगा माइग्रेशन टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह। तो खुद का करेंगे तो खुद का ही, अगर खुद का करेंगे जिसके नाम पे आईडी बना हुआ है उसी का करेंगे तो सेल्फ में टिक रहने देंगे, और किसी का फैमिली मेंबर का, दूसरा फैमिली मेंबर का करेंगे तो फैमिली में क्लिक करना होगा। उसके बाद जिसका करेंगे उस फैमिली का इपिक नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। तो मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद ये दो वाला दो ऑप्शन है, अगर किसी का वोट दूसरा गांव में है लेकिन वोट सेंटर एक ही जगह में है, दूसरा गांव से उसी दूसरे गांव में आएंगे लेकिन वोट एक जगह है, तो इसमें क्लिक करेंगे माइग्रेशन विद इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर किसी दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आए हो, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, तो फिर माइग्रेशन आउटसाइड योर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जिसका जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे उसी लैंग्वेज में आप करेंगे, तो मैं इंग्लिश में कर दूंगा। उसके बाद तू कहाँ पे आप रजिस्टर कर रहे हैं, इसमें सभी लोग गलती करते हैं, जिस जगह में वोट न्यू करके जा रहे हैं, जिस जगह में ट्रांसफर हो रहे हैं उसी का डिस्ट्रिक्ट और उसी का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करेंगे। तो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हम लोग धुबरी सेलेक्ट कर रहे हैं, धुबरी में आ रहे हैं कोकराझार से। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का बिलेशिपुरा वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, ऐसे कि हम लोगों का बिलेशिपुरा वेस्ट है तो वेस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी का फर्स्ट टाइम वोट अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ट्रिक रखने दीजिएगा, अगर किसी का ट्रांसफर या शिफ्टिंग कर रहे तो इसमें क्लिक करेंगे ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये जो नेम है नेक्स्ट ए कॉलम में कैंडिडेट का नेम फिल करना है, तो हम लोग फिल कर रहे हैं। उसके बाद रिलेटिव, अगर रिलेटिव का हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम होगा, या फिर शादी नहीं हुआ है फादर का नाम होगा तो इसका हस्बैंड का नाम होगा। कोई भी एक गार्जियन, तो इसमें अगर किसी का इंग्लिश में इधर टाइप करेंगे, अगर इसमें जाए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से जो स्पेलिंग आता है उसको अगर गलती लगे तो यहाँ क्लिक करके उसको ठीक करना होगा। तो मैं क्लिक इसमें कर दिया तो ये सही नहीं है, ये सही है, तो मैंने इसको हटा के सही कर दिया। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है कैंडिडेट, और सॉरी, उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन सेलेक्ट करना है, तो ये रोस्तम कौन है, नूर हामिदे का तो हस्बैंड है, हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड देख के फिल करेंगे या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट देख के फिल करेंगे।
डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने, उसके बाद कैंडिडेट का जेंडर, जेंडर हम लोग फीमेल सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद एड्रेस फिल करना है, जिस एड्रेस में नया एड्रेस जो होगा उसी एड्रेस यहाँ पर होगा, मतलब जहाँ उन लोग शिफ्टिंग हो रहे हैं उसी का एड्रेस हम लोग यहाँ डालेंगे। पहले हाउस नंबर डालना होगा, उसके बाद एरिया, इसमें अगर कोई गलती लगे तो यह क्लिक करके उसको स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा। उसके बाद विलेज, इसमें थोड़ा गलती हो गया तो इसमें ठीक करेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर से जो आता है ऑटोमेटिक आता है वो कभी कभी गलती भी हो जाता है। हम लोग ये विलेज को ठीक कर दिया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, ये भी ठीक करना होगा। पोस्ट ऑफिस हो गया। उसके बाद पिन नंबर, जिस जगह में जा रहे हैं नया करके उसी का पिन नंबर होगा यहाँ पर। अगर पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो हम लोग सेम एज अबव कर देंगे, सभी ऑटो फिल हो जाएगा, ऊपर वाला जो नीचे आएगा तो हम लोग इस चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये फिल हो गया ऑटोमेटिक। उसके बाद ईपिक नंबर, इफ इशूड, हमारा ईपिक नंबर इशू है ऑलरेडी तो हम लोग उस ईपिक नंबर डालेंगे कैंडिडेट का। उसके बाद फैमिली नेबर ईपिक, जिस जगह में रह रहे जाएंगे आप शिफ्टिंग होके, नेबर नेबर का एपिक नंबर भी चलेगा या फिर फैमिली है तो फैमिली कोई भी एक फैमिली का एपिक नंबर यहाँ डालना होगा तो हम लोग डाल रहे हैं। उसके बाद ये फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी का हैंडीकैप है ऐसा कुछ है तो यहाँ पर हैंडीकैप में क्लिक कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी है तो ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है, दे सकते हो, मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। उसके बाद सपोर्टिंग अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड करेंगे तो फोटो, फोटो पहले फोटो अपलोड करना होगा, चूज फाइल में जाएंगे, फोटो को ऐसे अपलोड करेंगे, फोटो आएगा तो माउस को स्क्रॉल ऐसे करना होगा तो फोटो नीचे नीचे ऐसे होगा, तो आप लोग एडजस्ट करके फोटो आपको कैसे रखना है वोटर आईडी में उसी के रिगार्डिंग आप लोग एडजस्ट करके फोटो यहाँ सेट करेंगे। जैसे सेट करेंगे वैसे ही वोटर आई कार्ड में, नया वोटर आई कार्ड में आएगा आपका, फोटो अच्छा दिखना चाहिए तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा आगे देता हूँ। उसके बाद गेट प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो ऐसा फोटो प्रीव्यू हो गया, तो देखने के बाद उसको सेव कर देंगे हम लोग, तो फोटो यहाँ आ गया। उसके बाद एज प्रूफ, एज प्रूफ हम लोग बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, हम लोग का पैन कार्ड है, पैन कार्ड डालेंगे, पैन कार्ड ये डाल दिया। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, हम लोगों का पोस्ट ऑफिस लेटर है ऐसा करके एड्रेस बनाया तो वो डाल देंगे, एड्रेस प्रूफ ये डाल दिया मैंने। उसके बाद I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, I am a citizen of India and above and sorry and place of my birth is कहाँ उसका जन्म हुआ उसी का देना होगा, तो इसका जन्म हुआ था इस जगह में तो मैंने डाल दिया जगह का नाम। उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस जगह में जन्म हुआ था उसी का डिस्ट्रिक्ट देना होगा यहाँ पर, गलती मत करिए आप डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आया ऑर्डिनरी, आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट एट एड्रेस गिवन, जिस जगह में आया है आप नया जगह में उस जगह में आप किस
कितने साल से रह रहे हो या कितने तारीख वो आप लोग डाल दीजिएगा। तो हम लोगों का इस कैंडिडेट का 2012 साल से इसी एड्रेस में, इस एड्रेस में है, रह रहे हैं नया एड्रेस में, लेकिन वोट शिफ्टिंग नहीं किया, अभी कर रहा है। तो इसका डेट ऐसे देना होगा। और कोई भी अगर जन्म से इधर रह रहे हैं तो जन्म डेट इधर दे सकते हैं आप लोग। और उसके बाद ये फिल करना होगा, नीचे वाला में क्लिक रहने देना होगा, माय नेम में हैज बीन इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल एंड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन स्टेट इन व्हिच आई वाज ऑर्डिनरी रेसिडेंट अर्लियर एट द एड्रेस मेंशन अबव बिलो एंड इफ सो आई रिक्वेस्ट दैट द सेम मे बी डिलीटेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। इसमें जो डिटेल्स होगा, इसमें होगा हम लोगों का पहले का जो वोट था, जहां था वो डिलीट होगा और नए एड्रेस में वो वोट आएगा। तो ये इस जगह में वही लिखा है कि पहले वाला वोट डिलीट होगा, ओके, इसमें शिफ्टिंग होगा। तो जिस जगह में पहले वाला वोटर डिटेल्स था तो उसी डिटेल्स यहां पर शिफ्ट करेंगे। तो स्टेट, उसके बाद असेंबली, असेंबली सेलेक्ट करेंगे हम लोगों का। उसके बाद हाउस नंबर, पहले का जो हाउस नंबर था वो हाउस नंबर यहाँ देना होगा। पहले का हाउस नंबर था 169, तो 169 हाउस मैंने दे दिया। उसके बाद लोकलिटी, उसके बाद विलेज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पिन नंबर। पहले जो वोटर आईडी में पिन नंबर था उसी पिन नंबर को हम लोग यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद हो गया, उसके बाद प्लेस डाल देना कोई भी एक, हम लोग अपना जिस जगह से अप्लाई कर रहे हैं उसी जगह में, उसी जगह डाल दिया प्लेस। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, ये साबित मारने की आगे पहले, ठीक है, साबित मारने से पहले एक बार फिर एक बार चेक करेंगे हम लोग सभी ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद कुछ गलती हो गया शायद, इसमें मेरा कुछ गलती हो गया, गलती मतलब कोई भी एक कॉलम फिल नहीं किया मैंने, इसमें डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मैंने फिल नहीं किया, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट फिल करना होगा कोकराझार, डिस्ट्रिक्ट फिल कर दिया। उसके बाद सबमिट करना होगा, सबमिट करने के बाद हम लोगों का एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, उसको पिन करके या फिर सेव करके रखना है, नेक्स्ट टाइम इसको लगेगा, जरूरत होगा। तो ऐसे करके बनाते हैं, कैसे वोट शिफ्टिंग करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में लेने के लिए। तो इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, नेक्स्ट टाइम अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।